لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المصدد والمحمود الأحمد جد الحسن والحسين بالقاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن المجيد بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت ایک صلوات ہے محمد والے محمد عزیزان گرامی شب جمعہ ہے اور شب دعا ہے اور جس آئے مبارکہ کو جو بہت ہی مشہور اور معروف ہر ہر فرد کے زبان کے اوپر یہ آیت ہے چونکہ ہفتے بھر ہمیں فرصت نہیں ملتی تو کم سے کم شب جمعہ میں تو ہم اس چیز کو یاد کر لیں کہ جس سے ہمیں دو چار ہونا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم بھول جائیں گے تو وہ بھی بھول جائیں گے، یہ ذہن میں نہیں رہنا چاہیے. اور چونکہ دیکھیے، تھوڑی دیر غور سے سنیے گا، چونکہ ہمیں اور آپ کو اور ہم سے پہلے بھی ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار ماں باپ اور نہ جانے کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، تو جو جا چکے ہیں، جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں، ہم بھی انہی کے راستے پر چل رہے ہیں. الگ کوئی راستہ نہیں ہے، انہی کے راستے پہ چل رہے ہیں. تو اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ جو جا چکے ہیں انہیں کوئی کسی چیز کی ضرورت ہے؟ اچھا، وہاں کیا چیز کام آنے والی ہے کہ جو ہم ابھی تو گئے نہیں ہیں مگر ہمارے عزیز اقارب اور بھی لوگ مومنین جا چکے ہیں، تو انہیں یہاں سے ہمیں اور ہم اور آپ مل کر کچھ اگر بھیجنا چاہیں تو کیا وہ چیزیں انہیں ملتی ہیں، اور اگر ملتی ہیں تو انہیں فائدہ کیا پہنچتا ہے، اور ان چیزوں سے یعنی ہم اور آپ جو بھیجتے ہیں یہاں سے تو اس سے وہ کتنا خوش ہوتے ہیں، اس کا اندازہ لگایا نہیں جا سکتا. دوسری بات عزیزان گرامی یہ کہ ہم اور آپ جب وہاں جائیں جہاں ہم نے اپنے عزیزوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کیا ہے، جس کو ایک کانٹا چبھنا ہمیں برداشت نہیں ہوتا تھا، اسی کو اپنے ہاتھ سے انسان کو دفن کرنا پڑتا ہے کہ نہیں؟ تو اب وہاں ہم جائیں تو کیسے جائیں؟ وہاں جانے کے کوئی آداب ہے؟ وہاں جانے کے کوئی وصول ہے؟ کوئی طریقہ بتایا ہے کہ جب آپ قبرستان جائیے تو کیسے جائیے، جب آپ قبر کے پاس جائیے تو سب سے پہلے کدھر جائیے؟
कहां हमें खड़ा होना है, किस तरीके से खड़ा होना है। और उसके बाद अजीजाने गिरामी, जब हम कुछ कब्रस्तान में जाने के बाद सलाम करते हैं, आया मुर्दे सलाम सुनते हैं हमारा या नहीं, जवाब देते हैं या नहीं, ये सब तमाम चीजें हैं अजीजाने गिरामी। मैंने कहा सलाम का जवाब भी देते हैं, हमारे सलाम को सुनते भी हैं, और हमारे पैर की आहट को वो महसूस भी करते हैं। और अजीजाने गिरामी याद रखिए, हम जो कुछ भी भेजते हैं वो खुश होते हैं, बेपनाह खुश होते हैं। अब दो चार बातें जल्दी जल्दी अजीजाने गिरामी मैं आपके ज़हन आलिया तक पहुंचा दूं कि हमें कैसे जाना है कब्रिस्तान, अब कब जाना है। और आप तो किसी वक्त भी जा सकते हैं, मगर कुछ औकात मुअय्यन हैं, खास वक्त मुअय्यन है कि आप इस वक्त अगर जाएंगे तो ज्यादा बेहतर है। चूंकि कुछ ऐसा वक्त होता है कि जब मोमिनीन की रूहें वादी सलाम में होती हैं, और वो के जो गुनहगार होते हैं, वो के जो कुफार होते हैं, उनकी रूहें कहां होती हैं, वादी बरहूत में होती हैं। तो ये सब चीजें हैं, तो वो चीजें मैं आपको बता दूं ताकि इंसान जब जाए तो कब जाना चाहिए, ताकीद है किस दिन जाना चाहिए, ये सब तमाम चीजें हैं। पहली बात, एक सलवात भेजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। देखिए छेड़ा इसीलिए कि शबे जुमा है, और शबे जुमा तस्करतुल लैल है, इंसान अपनी मौत को भी याद करे। फुर्सत कहां है, किसी को फुर्सत नहीं है, है? लेकिन मेहरबान है मालकुल मौत, याद करे या ना करे, दिन में हमें पांच वक्त वो देखता है, याद करता है, ठीक है, कोई बात नहीं, अभी ठीक, कोई मसला नहीं है। कहते हैं कि जब इंसान कब्र की ज्यारत के लिए जाता है तो रूहें बहुत ज्यादा खुश होती हैं, बहुत शाद होती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको अगर कोई तोहफा मिल जाता है तो आप कितना खुश होते हैं, खुशी की कोई इंतहा नहीं होती, खुशी की कोई हद नहीं होती। ऐसे ही रूह यानी वो कि जो वहां दफन है, हम जाते हैं और उन्हें कुछ हदिया और तोहफा देते हैं तो वो बिल्कुल शाद हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। कहते हैं कि जब जियारत के लिए जाए, यानी कब्र जियारत, कबूर जियारत के लिए जाए, आइम्मा की जियारत के लिए तो है ही है, ये मोमिनीन की कबूर की जियारत के लिए जब इंसान जाए तो हुक्म है कि जायर को बातहारत होना चाहिए, जैसे तैसे हो वैसे नहीं पहुंच जाए। ये सब वाजिबात में से नहीं है, याद रखिएगा कि आप कहेंगे वाजिब है, सवाब ज्यादा है, आपको भी ज्यादा सवाब मिलेगा, वहां भी सवाब ज्यादा मिलेगा, बातहारत होना चाहिए। और उसके बाद कहते हैं कि बातहारत में वजू गुस्ल सब आ जाएगा जो भी किए हो आप। और कहते हैं कि जब आप कब्र के पास जाएं, किसी अपने अजीज अकारिब की कब्र के पास जाएं, तो सीधे जाके सरहाने न खड़े हो जाएं, उसके सर के पास जाके न खड़े हो जाए, पहले उसके पैर की तरफ से जाइए, पायती की तरफ से जाइए, ये उसूल बताया गया है, ये तरीका बताया है, ना कि हम सीधे जाके सराहने खड़े हो जाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हराम नहीं है, मगर ये दस्तूर बताया है, ये अदब बताया है, ये अखलाक बताया है कि आप पायती की तरफ से जाइए, पैर की तरफ से कब्र के, उसके बाद आगे जाइए, और आगे जाने के बाद सराहने जाकर खड़े हो जाइए, और खड़े होने के बाद अब रूह क़िबला इंसान हो जाए, और रूह क़िबला होने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करे, ज्यादातर जितना मुमकिन हो सके वहां बैठ जाए, और बैठने के बाद कुरान मजीद की तिलावत करे, कहां, कब्र के ऊपर। कहते हैं मुस्तहब है, आप यूं पूरा कुरान पढ़िए, अच्छी बात है, मुस्तहब है कि सूरे यासीन और सूरे तौहीद की तिलावत करे कब्र के ऊपर, मुस्तहब करार दिया गया है, बाकी पूरा कुरान पढ़िए आप, सवाब ही सवाब है, समझे आप। और जब कब्र के पास, देखिए ये मैंने पहले कहा, ये आप ये समझिए कि मैं वाजिबात बता रहा हूं, या कब्र के पास जब आप खड़े होइए कब्र पे, तो कम से कम जूते को उतार दीजिए, नंगे पैर हो जाइए, ये आदाब है, ये तरीका है।
और अब हमको इनकी ज्यारत के लिए जाना है, कब्रस्तान जाना है, तो कब जाना है? हम वक्त जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, इजाजत है, मगर कुछ औकात मुअय्यन है, कुछ दिन मुअय्यन है कि जिसकी फजीलत भी ज्यादा है, जिसका सवाब भी ज्यादा है, जिसके लिए ताकीद भी की गई है। देखिए औकात में यानी कब्रों की जियारत के लिए जो औकात मुअय्यन किए गए हैं, वो पहली बात यह है कि बेहतरीन औकात यानी वक्तों में से बेहतरीन वक्त है जुमेरात को, जोहर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक। जुमेरात को जोहर के बाद से गुरूब आफ्ताब तक यह बेहतरीन वक्त है कब्रों कब्रस्तान में जाने की, मुर्दों की ज्यारत करने की। और फिर जुमा और शंबे के रोज, जुमा और शंबे के रोज कब बेहतरीन टाइम है? इस जुमे के दिन और शंबे के दिन। कहते हैं अजान फज्र से लेकर तुलुए आफ्ताब तक, यानी अजान फज्र से तुलुए आफ्ताब यानी आफ्ताब जब निकल रहा उसके दरमियान में जब आप कब्रस्तान जाएंगे और जाने के बाद ज्यारत करेंगे, अहले कबूर को आप सलाम करेंगे, तो क्या होगा मालूम है? कि ज्यारत के लिए यह ज्यादा फजीलत है। रिवायत में भी आया है कि जनाब फातिमा जहरा सलामुल्लाह अलैहा एक सलवात है मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बाबा की वफात के बाद, पैगंबर की वफात के बाद हफ्ते में दो ही रोज यानी दो शंबे और पंचशंबे के रोज शोहदा की जियारत के लिए तशरीफ ले जाया करती थी। देखिए एक बात और बता दूं, रोज ये हराम नहीं है, मगर बार 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 हरदम जाने से क्या है कि वो जो अहमियत है, जो दिल में खौफ, वो सब खत्म हो जाता है। होता कि नहीं होता है, शायद ये भी एक हो जाओ, तो दो रोज जाया करती थी। लेकिन अब देखिए रात के वक्त, अब जरूरत कोई है तो अलग बात है, देखिए आप जरूरत कोई मजबूरी हो कोई वो अलग बात है, लेकिन बिला जरूरत कहते हैं रात के वक्त अहले कबूर की जियारत करना मकरूह है। रात के वक्त बिला जरूरत, कोई जरूरत नहीं है चलो रात के वक्त जियारत कराए, कहते हैं रात के वक्त अहले कबूर की जियारत करना मकरूह है। क्यों? वजह लिखी है क्योंकि हदीसों में वारिद हुआ है कि रातों में यानी रात के वक्त ये जो अरवाह मोमिनीन होती है वो वादियुस्सलाम में होती हैं, वादियुस्सलाम में सब इकट्ठा होती है, जमा होती हैं। और याद रखिए जैसे हम और आप यहां एक दूसरे को पहचान रहे हैं ना, वहां भी बैठकर एक दूसरे को पहचानते हैं और एक दूसरे से गुफ्तगू भी होती है, बातें भी होती है, सब कुछ होता है। तो रात के वक्त जो मकरूह है उसकी वो इल्लत और वजह जो लिखी वो ये कि रूहें जो होती है ना वो वादी और रात के वक्त सब कहां चली जाती है? जवार अमीरुल मोमिनीन में है, वादी उस सलाम में वहां जमा होती है। और जो गुनहगार होते हैं, जो कुफार होते हैं, जो खताकार होते हैं, उनकी रूहें कहां होती हैं? वादी बरहूत, जो यमन में एक चटियल मैदान है गालिबन, जहां सब्जा घास ये भी नहीं उगती, वहां इन मुनाफिकों और गुनहगारों और काफिरों की रूहों को कैद किए दिया जाता है। और उसके बाद देखिए फिर ये गैर पैगंबर यानी पैगंबर की कब्र नहीं है, पैगंबर की कब्र के पास रुकना ठहरना सवाब है, इमाम की कब्र के पास रुकना ठहरना सवाब है, नबी की कब्र के पास रुकना ठहरना सवाब है कि नहीं? लेकिन कहते हैं गैर पैगंबर, पैगंबर नहीं है, साहिब कब्र पैगंबर नहीं है, नबी नहीं है, इमाम नहीं है, कहते हैं खास करके बिला जरूरत, खास करके रातों में बिला जरूरत कब्र के पास रुकना ठहरना मकरूह है, बिला जरूरत।
कहते हैं गैर पैगंबर और नबी और इमाम के कबूर के पास ठहरना खुसूसन रात में मकरूह है, मगर किसी गरज हो, मसलन हमें कब्र के पास बैठकर तिलावत कुरान करना है, कोई और जिक्र हो रहा है, कोई और इबादत हो रही है, कोई और काम हो रहा है, तब कराहियत नहीं है। लेकिन यहां कोई वजह नहीं, फिर भी जाके बैठे हुए हैं, कुछ तिलावत भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यूं ही बैठे हुए हैं, कहते हैं और खासतौर से रात में कराहियत बताइए। एक सलवा दीजिए मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। छठे बाब की रिवायत हमारे और आपके छठे बाब इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम रिवायत के मरहूमीन की तुलुए आफ्ताब से पहले ज्यारत करो, जाओ कब्रस्तान, तुलुए आफ्ताब से पहले, आफ्ताब निकलने से पहले, सूरज निकलने से पहले कब्रस्तान जाओ और मरहूमीन की ज्यारत करो। क्यों? क्योंकि उस वक्त वो लोग सुनते हैं, कौन? मरहूमीन सुनते हैं, और सुनते ही सिर्फ नहीं है बल्कि तुम्हारे सलाम का जवाब भी देते हैं। यह वक्त ऐसा वक्त है कि जब इंसान जाता है तो वो सुनते भी हैं और हमारे और आपके सलाम का जवाब भी देते हैं। अब अगर कोई शख्स तुलुए आफ्ताब के बाद जाता है, सूरज निकल आया उसके बाद जाता है, तो कहते हैं कि मरहूमीन अरवाह है मोमिनीन सुनते हैं मगर जवाब नहीं देते। मुमकिन है बोलने की इजाजत ना हो उस वक्त, है कि नहीं? सुनते हैं कि कौन आया है, कौन सलाम कर रहा है, कौन क्या कर रहा, सब कुछ है, मगर वो जवाब नहीं देते, इसलिए कि हुक्म खुदा के वो पाबंद है, मनमानी तो है नहीं जिसे यहां है, हमारी मर्जी है। अगर हम यहां अपनी मर्जी हटाकर अल्लाह की मर्जी पे चलेंगे तो अजीज आने गरमी वहां भी आराम ही आराम रहेगा, वहां भी आराम ही आराम रहेगा, लेकिन अगर यहां हम अपनी मर्जी चलाएंगे तो फिर वहां दिक्कत हो जाएगी। लिहाजा अपनी मर्जी की बात ही नहीं होनी चाहिए, हमें तो वही करना है कि जो अल्लाह की मर्जी है, जो रसूल की मर्जी है। और उसके बाद एक और सलवा भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। सातवें बाब के पास एक शख्स आता है और आने के बाद मौला से कहता है कि मौला एक मोमिन की वफात वाते हो गई, मर गया एक मोमिन, इस दुनिया से चला गया, अगर कोई शख्स उसकी कब्र पर जाए, उस मोमिन की कब्र पर जाए, तो क्या साहिबे कब्र उससे आगाह है कि फला आया है हमारी कब्र पे? साहिल के सवाल के जवाब ने इमाम ने फरमाया हां, उसे पता है कौन आया है। जिस वक्त उसकी कब्र के सरहाने लोग मौजूद होते, देखिए जिस वक्त कब्र के सरहाने लोग मौजूद होते हैं, खड़े रहते हैं, तो मैयत मानूस होती है, खुश होती है, उसे वहशत नहीं महसूस होती, उसे घबराहट नहीं महसूस होती, वो बहुत उसे अच्छा लगता। कैसे? हमारे और आपके पास एक आदमी अकेला हो, तन्हा हो, और कुछ लोग आ जाएं, अपने वाले आ जाएं, जानने वाले आ जाएं, तो कैसी मसर्रत और खुशी होती है, ऐसे ही उसे होती है मसर्रत और खुशी होती है। और उसे यह भी मालूम है कि जब इंसान कब्र के पास से जाने लगता है ना, तो उसे पता चलता है कि हां आने वाला जा रहा है। तो जब जाने लगता है, यानी अभी तक जब तक कब्र के पास खड़ा था तो क्या था, वहशत नहीं थी, घबराहट नहीं थी, उल्ट था, अच्छा महसूस हो रहा था, मुतमईन था, आराम था, सुकून, कोई दिक्कत। लेकिन जब जाने लगता है तो साहिब कब्र को वहशत महसूस होने लगती है, घबराहट महसूस होने लगती है, डरने लगता है। और जानी ग्रामी, अब आप देखिए बस आखिरी बात और बात को खत्म कर रहा हूं, मैंने जानकर चूंकि शबे जुआ है इसलिए बात छेड़ी, एक सलवा दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। खास करके
मरहूमीन के हक में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करना चाहिए, वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं। अगर हम अपने मरहूमीन के हक में दुआ करेंगे तो हमारे भी हक में दुआ होगी, लेकिन अगर हम अपने मरहूमीन के हक में दुआ नहीं करेंगे तो फिर कैसी उम्मीद, कैसी उम्मीद, बेकार की बात है ना। और पैगंबर फरमाते हैं कि अपने मरहूमीन को तोहफे और तहायफ के जरिए से खुश करो, उन्हें सदका दो, उनके नाम पर सदका दो। जब तुम सदका देते हो तो उन्हें बड़ी खुशी महसूस होती है। खासकर हुक्म है पैगंबर का, खासकर जब कोई दुनिया से चला जाता है पहला दिन, तो उस दिन मैयत की तरफ से सदका जरूर निकालना चाहिए, क्योंकि उस सदके की वजह से उसके कब्र में नूर पैदा होता है, उजाला पैदा होता है, घबराहट नहीं होती, उसके अंदर कब्र में नूर दाखिल होते हैं। और फिर कहते हैं देखो, जब कोई दुनिया से चला जाए तो पहली रात यानी वह नमाज वहशत जरूर पढ़ी जाए। और उसके बाद अब यही नहीं कि नमाज वहशत सदका ठीक है सब अपनी, लेकिन जब भी आपका दिल चाहे, जब भी आप के दिल में यह बात पैदा हो कि चलो मेरे बाप दुनिया से चले गए, मेरी मां दुनिया से चली गई, और अजीज अकारिब न जाने दादा उदा सब दुनिया से गुजर गए, अब उन्हें भी ईसाल पहुंचाना है, तो कहते हैं कि जब भी दिल चाहे कि ईसाल हमें करना है, दो रकत नमाज पढ़ लिया करो और उनके नाम ईसाल कर दिया करो। इधर तुम नमाज पढ़ते हो, उधर उनकी कब्रों में नूर ही नूर होने लगता है। और अजीजाने गिरामी, अब देखिए जो बात कहनी थी वो बात आ गई है, उसी में बात को खत्म करूंगा कि क्या फायदा होता है जब हम कुछ करते हैं, मसलन नमाज पढ़ दिया, रोजा रख दिया, किसी को उनके नाम पे कुछ दे दिया, किसी की मदद कर दी उनके नाम पे, चलो भाई इसका सवाब मेरे वालिद को मिलेगा, मेरी मां को मिलेगा, मोमिनीन को इसे भी मिलेगा, तो उनके कब्र में नूर ही नूर होता है। अब हमारे और आपके छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, इमाम फरमाते देखिए मैयत है, हम और आप हैं गुनहगार है, खताकार है, यकीनन गुनाह है, मासूम नहीं है। मैयत को कब्र में अजाब होता है, सख्ती होती है, मुश्किल होती है, होती है, यकीनन होती है। इमाम फरमाते कभी कभी क्या होता है कि मैयत के ऊपर अजाब हो रहा है, मैयत के ऊपर सख्ती हो रही है, और सख्ती है अजाब हो रहा, अचानक अजाब हट जाता है, अचानक एक अजाब हट गया, बेचारा झेल रहा था, मुश्किल में था, और एकाएक अजाब इलाही हट गया। अब हम नहीं, आप नहीं, मुर्दा फरिश्तों से पूछता है, देखिए मुर्दा फरिश्तों से पूछता है कि जिसके ऊपर अजाब हो रहा था, अजाब हो रहा था और एकाएक अजाब हटा लिया गया, मुर्दा फरिश्ते से सवाल करता है ये कैसे हुआ, अभी तो तुम तो अजाब कर रहे थे, सख्ती कर रहे थे, मुश्किल में मैं फंसा हुआ था, मेरे ऊपर दबाव ही दबाव डाल रहे थे, तो ये मुर्दा सवाल करता है कि हुआ क्या कि तुमने अजाब को हटा लिया है, अजाब हट जाएगा तो रहमत ही रहमत होगी ना। तो अब अभी जानेगा अभी फरिश्ते उस सवाल करने वाले उस मुर्दे के सवाल के जवाब में कहते हैं कि तुम पर अजाब हो रहा था, बात तो सही है, मगर जो हटा लिया गया है उसकी वजह यह है कि फला ने तुम्हारी तरफ से नमाज पढ़ दी है और उस नमाज की वजह से तुम पे अजाब हटा लिया गया है। तो अजीज आने के नाम दो रकत नमाज अगर हम पढ़ देंगे अपने अजीज और अकारिब रिश्तेदार के लिए, तो न जाने कितनी मुश्किलों में वो होते हैं, वो मुश्किल आसानी में बदल जाया करती है। एक सलवात भेजे मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। इमाम फरमाते मैयत इतना खुश होती है, इससे इतना खुश होती है कि जैसे तुम्हें तोहफा मिलता है तुम कितना खुश होते हो,
वैसे ही मैयत की तरफ जब कुछ इसाल किया जाता है तो अजीज आने गिरामी वैसे ही कुछ होते हैं, हम हर वक्त चाहे इसाल कर सकते हैं। अगर हम खाना खाने बैठे तो भी हम अपने अजीज और अकारी और मोमिनीन को सवाब पहुंचा सकते हैं, और फातिहा पढ़ लें सवाब पहुंच जाएगा, किसी को हमने कुछ दे दिया सवाब पहुंच जाएगा। तरीके बहुत से हैं पहुंचाने के, अब हम उस तरीके को अपनाएं तो जिसकी वजह से हमें भी राहत मिलेगी। ऐसा नहीं है कि उसे सवाब मिल गया तो हमें नहीं मिला, जितना हमारे मरने वाले को सवाब मिलेगा उतना ही हमें भी सवाब मिलेगा। बस जाने गर अभी मौत को हमेशा याद रखते रहिएगा, कब आएगी, किस उम्र में आएगी, किस घड़ी आएगी, किस लम्हे आएगी, किस जगह आएगी, किस शहर में आएगी, कुछ पता नहीं। लिहाजा हम वक्त तैयार रहना, और अभी जाने गर अभी इसी दुनिया में हमें रह के अपनी आखिरत को आबाद करना है, इसी दुनिया में रह के हमें अपनी आखिरत को बनाना है। और अजीजाने गिरामी हम यकीनन आले मोहम्मद के दामन से वाबस्ता है, हमें तो ऐसा बनना है ऐसा रहना है कि जैसे आले मोहम्मद हमें चाहते हैं। अजीजाने गिरामी ये मजलिस यही जिक्र हमारे मरने वाले को फायदा पहुंचाता है, यही करबला के मसायब जो बयान होते हैं हमें भी फायदा मिलता है, हमारे मरहूमीन को भी फायदा मिलता है। बस दो चार जुमले सुन लीजिए कि अहले हरम जब कैद शाम से छूट कर अजीजाने गिरामी मदीने आए हैं, और ये काफिला, बस दो चार ही जुमले हैं, मैंने कहा यह काफिला जब बेरून मदीना ठहरा है और बशीर को बुलाया, बशीर को बुलाने के बाद कहा बशीर जाकर मदीने में हमारे आने की खबर कर दे। अजीजो सुने, बशीर मदीने में आता है और आवाज लगाता है मदीने वालों, मदीना रहने के लायक नहीं है, हुसैन कत्ल कर दिए गए, हुसैन मार डाले गए। अजीजो जो भी सुनता है हुसैन कत्ल हो गए, हुसैन मार डाले गए, घर से बाहर निकलते हैं, पूछते हैं कि बताओ काफिला कहाँ है, काफिला कहाँ ठहरा है, बेरून मदीने का मदीना काफिला ठहरा हुआ है, जो दर जो गिरो दर गिरो, औरत और मर्द उस काफिले के पास जाते हैं। बस सुने अजीजाने गिरामी, रसूल अल्लाह की एक बीवी है जिनका नाम है उम्मे सलमा, उम्मे सलमा ने भी सुना कि हुसैन कत्ल हो गए, मगर अजीजाने गिरामी उम्मे सलमा है कि जो घर से बाहर नहीं निकली बल्कि दरवाजे पे रहकर खड़ी हो गई, और खड़ी होने के बाद हर आने वाली से पूछती है बताओ तुम कहां से आ रहे हो, तुम कहां से आ रहे हो, हम वहां से आ रहे हैं कि जहां लुटा हुआ काफिला ठहरा, लुटा हुआ काफिला ठहरा। बस अजीजाने गिरामी एक मर्तबा उम्मे सलमा ने क्या देखा कि कोई बीबी चली आ रही है जिनकी कमर झुकी हुई है, सर के बाल सफेद है, चेहरे पे झुर्रियां पड़ी हुई है। एक मर्तबा उस मुअज्जमा को आते देखा, उम्मे सलमा एक कदम और आगे बढ़ी, बढ़ने के बाद कहते आने वाले ये बता अरे तू कहां से आ रही है, मेरी ज़ैनब को देखा है, बस ये सुनना था जैसे शहजादी ने अपना नाम सुना, कमर पर हाथ रखकर सीधी खड़ी हुई, आवाज लाली अम्मा अरे भाई आपकी बेटी ज़ैनब, एक मर्द उम्मे सलमा ने सरोजी ना पीन ए मेरी बेटी क्या हाल हो गया, ये कमर कैसे झुक गई, आवाज नानी कैद शाम में सकीला का जनाजा उठाया कमर झुक गई। वसयालमु الذين ظلموا اي من قلب ينقلب इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन।
परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ते हमारे इस मुख्तसर सी मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमें जो बीमार है बीमार है करबला के सदके में शिफाए कामिल आजिल अता फरमा। परवरदिगार शबे जुमा है, शबे दुआ है, शबे मगफरत है, हमारे मरहूमीन की मगफरत फरमा, उनके दर्जात को बुलंद फरमा, उनके गुनाहों को माफ फरमा। परवरदिगार जिन लोगों ने दुआ के लिए कहा मेरे मालिक मेरे माबूद, उनकी दुआओं को कबूल फरमा, उनके मुश्किलात को आसान फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के वास्ता मदारात मुकद्दसा की हिफाजत फरमा, उलमा और मोमिनीन की हिफाजत फरमा। परवरदिगार इस्लाम दुश्मन ताकतों को नीस्त व नाबूद फरमा, परचम इस्लाम को बुलंद फरमा। ए मेरे मालिक ए मेरे माबूद, जहां जहां भी मजलूमों पर जुल्म हो रहा है जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमा, मजलूमों की मदद व नुसरत फरमा। परवरदिगार अपनी आखिरी हुज्जत हजरत हुज्जत के जहूर में ताजील फरमा, उनके असहाब व अंसार में शुमार फरमा।